के झारखंड की सियासत शुरू से ही आदिवासी पर केंद्रित रही है। राज्य के 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड है। आदिवासी वोटरों का झुकाव किसी भी दल के लिए सत्ता तक पहुंचने की चाबी है, की है। ऐसे में पहले बीजेपी का आदिवासी सम्मेलन और अब हेमंत सोरेन सरकार का जनजाति महोत्सव को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथ से सत्ता फिसलने की सबसे बड़ी वजह आदिवासी सुरक्षित सीटों पर पार्टी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। 28 में से सिर्फ दो जनजातीय सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई। ऐसी जमीनी हकीकत को भांपते हुए भाजपा ने जनजातीय समुदाय को एक बार फिर से अपने पक्ष में गोलबंद करने की कवायद तेज कर दी है। 5 जून को भाजपा ने रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासियों का एक बड़ा सम्मेलन किया था। सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की थी। चालो भर हर दल अपने अपने हिसाब से समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को काम करके, उनकी सेवा करके या कुछ अपने जात के नाम पर, कुछ नारा के नाम पर, जैसे वो उनको लुभाया जा सके लुभाता ही है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। बीजेपी की इस कवायद से घबराई सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा अब राज्य में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव आयोजन करने जा रही है, जिसे भाजपा के राजनीतिक काट के तौर पर देखा जा रहा है। ये हमारा राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, जनजातीय बहुल राज्य है और आज तक किसी का ध्यान इस ओर गया नहीं। सिर्फ एक वोट बैंक समझकर लोगों ने इस्तेमाल किया है और जिस तरह की राजनीति हो रही है आज देश के परिप्रेक्ष्य में, तो जनजातीय समुदाय का एक तरह से विनाश करने का, पूरी तरह से उनकी उनके अस्तित्व को समाप्त करने का एक साजिश रचा जा रहा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास है कि हमारे जो यहाँ के जनजातीय समुदाय की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको जीवंत रखा जाए। देखिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे पहचान के साथ ही जुड़ा हुआ है। चूँकि 2 वर्षों तक लगातार कोरोना काल रहा, तो उस कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों को मन महसूस कर इतनी बड़ी एक पहचान का जो दिवस आदिवासी दिवस 8 अगस्त को, तो उसको हम लोगों ने बहुत तकलीफ लेकर सहा कि हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इस बार वक्त मिला, मौका अच्छा है और पूरा इस राज्य का क्रिएशन ही जो है वो 5वीं अनुसूची के तहत हुआ है और 5वीं अनुसूची ही जनजातियों को इस भारत के देश में संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस इस बात को प्रचारित करने में लगी है कि भाजपा का आदिवासी प्रेम सिर्फ दिखावा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा षड्यंत्र रच रही है। हमें यह लगता है कि हम आदिवासी और आदिवासियत को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहते और न ही हम कर रहे हैं। आदिवासी और आदिवासियत को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पता होगा इस राज्य की जनता को कि कैसे आदिवासी और आदिवासियत को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में ठगने का छलने का काम किया। जो उनके अस्तित्व की लड़ाई थी, जो उनका अस्तित्व का संघर्ष था, CNT और SPT एक्ट, उसमें भी भाजपा के लोगों ने संशोधन करने का काम किया है। राज्य गठन के बाद पहली बार जनजातीय महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के भी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 9 और 10 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान में देश भर के जनजातीय कलाकार जुटेंगे। कैमरामैन उमेश के साथ रांची से न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राकेश करुकरेंगे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ की पॉलिटिक्स आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, क्योंकि 28 सीटें रिजर्व्ड है।
पहली दफा झारखंड अलग होने के बाद जनजाति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कोई भी पार्टी हो, मुख्यतः अगर हम बात करेंगे जेएमएम और बीजेपी की, तो जेएमएम लगातार बात करती है कि वो आदिवासी की सरकार है, मूलवासी की सरकार है, झारखंडियों की सरकार है, तो वहीं बीजेपी भी कोई भी मौका आदिवासी वोटरों को साधने से नहीं चूकती है। देखिए, देश के राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू है, तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही है और झुकाव जो है आदिवासी वोटों का किस ओर जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसे आप जो 2024 की तैयारी से जोड़कर देख सकते हैं और लगातार इस दिशा में चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे बीजेपी हो वो बढ़ने का काम ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। और आपने देखा होगा कि इससे पहले बीजेपी ने जो है एक विश्वास रैली किया था जिसमें तमाम प्रदेश से जो आदिवासियों के जो बड़े चेहरे हैं उनको उस रैली में आमंत्रित किया गया था, खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नज़र अब उस वोट बैंक पर जा टिकी है जिस वोट बैंक के छिटकने से 2019 में बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। आपको भी पता है कि 28 सीटें आरक्षित हैं झारखंड में, और अगर उन सीटों के इतिहास को देखें 2019 में अगर जाके पीछे देखें तो सिर्फ दो सीटों पर ही बीजेपी आप कह सकते हैं कि सिमट कर रह गई थी उन 28 सीटों में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब ये महसूस होने लगा है कि अगर आप सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इस वोट बैंक को साधना होगा, इस वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलना होगा। तो इसी विश्वास को बढ़ाने के लिए बीजेपी ने जो है वो विश्वास रैली किया था जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे थे। और अब जो सरकार, हालांकि ये सरकार का कार्यक्रम है, झारखंड सरकार का कार्यक्रम है, ये दो दिवसीय जनजातीय महोत्सव जो है वो झारखंड सरकार करने जा रही है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को लग रहा है कि इसका उन्हें आने वाले दिनों में सियासी फायदा हो सकता है। तो उस लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस कार्यक्रम को प्रचारित करने में लगी है और हर किसी की नजर अब उसी वोट बैंक पर है जिस वोट बैंक के सहारे कोई भी दल यहाँ सत्ता पर काबिज होता है। आपने देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू जैसे ही केंद्र में आई, जैसे ही उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने आगे किया, उस वक्त से ही लगातार आदिवासी जो है, जो समाज है, वो कहीं ना कहीं अब तमाम सियासी दलों के केंद्र बिंदु में आ गया। अब उसको लेकर तमाम दलों की कोशिश यही है कि उस वोट बैंक को साधा जाए, खुद को उस वोट बैंक के नजदीक बताया जाए और उसी कवायद में ये सारी चीजें जो है वो की जा रही है। जिशान, बिल्कुल बिल्कुल, तो देखने वाली बात यह होगी कि जो भी पार्टियां हैं, चाहे जेएमएम हो या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, झारखंड में किस तरह से आदिवासी समाज को साधने में, उनके वोटर्स को साधने में कामयाब आने वाले दिनों में हो पाती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।